नहीं, परवेज इलाही साहब ने मुहावरे वाली बात क्या की है एग्जैक्टली? उन्होंने परवेज मुशर्रफ के बारे में कहा है कि वो जो मैंने बयान दिया था ना कि बावर्दी जितवाएंगे, बीसियों बार जितवाएंगे, वो मैंने मुहावरतन कहा था। सही कहा था उसने परवेज भाई ने, और क्या चले मुहावरा बोला उसने, मुहावरा जैसे ये टीवी वाले नहीं कहते कि मिसाल के तौर पर ये मिसाल के तौर पर कहां से आ गया चौधरी साहब? ये मुहावरा होता है, मुहावरा मसलन, ये जैसे मतलब कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो हाँ उसे लितर जरूर पढ़ने चाहिए। ये मुहावरा आपने खुद इजाद किया है चौधरी साहब? मैंने तो कुछ लितर और पढ़ने सुना। चाहिए ना उसे, चौधरी साहब क्यों लितर क्यों पढ़ने चाहिए? वो इसलिए कि उससे बंदा पूछे कि पागल दिया पुत्रा, सवेर तक ये या तू शामी घर आ बड़े है, तो सारा काम तेरे प्यो ने करना सी। अच्छा, हुमायूं गौहर का बयान आपने पढ़ा? हुमायूं गौहर बड़ा प्यारा आदमी है, वो दानिश्वर है, बड़ा अकलमंद बंदा है, देखो ना तो बड़ा प्यारा क्यूट सा है वो। क्या कहा उसने? उसने ये कहा है कि मुशर्रफ को एनआरओ पर आमादा करने की वजह से चौधरी बरादरान को कौम से माजरत करनी चाहिए। इन्हें मोटे बंदे नु कभी अक्ल होंगी है? दानिश्वर कह रहे थे। और ये वही है ना जो अपने आप को चादर में लपेट के लाता है, पता नहीं चलता बंदा है या बंदियां दी पांड लपेट के ला गया। ऐसे बंदे को मेरे सामने कभी जिक्र नहीं करना तुमने, जिसके आगे या पीछे हुमायूं लगता हो। अच्छा, हुमायूं लगता हो। मोई करो फिजूल आदमी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि मनमोहन सिंह ने यकायक जंग की बातें शुरू कर दी। उसकी बात क्या करते हो, अपना मुंह चले बांबर का है, जंग की बात उसने फजूल बातें शुरू कर दी। साहब हालांकि हम मुदाकरात की बात कर रहे हैं, ये जंग की बातें कर रहे हैं, इसकी कोई शुरलियां पटाखे दुकान पे नहीं। यार साहब देखिए, अब आप क्या ये बम जैसी, ये क्या आपको बात है भला? यार तू गौर न देख, तू जरा इस तरह का सेबे वाला बम होता है जो ज्यादा बंद है वो है इस तरह का, हंसता है तो लगता है गिला बम चल पड़ा है, तकरीर करते हैं तो लगता है चिचड़ चल पड़े हैं एकदम ही, तड़ 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 तड़। सर साहब, आपको पता है कि ये सारा असला जो आप गिनवा रहे हैं ना, ये गैर कानूनी है, ये इनका तस्करा कर रहे हैं आप पिछले उतनी दिनों। मत नहीं मारी, चिचड़ा ना भी लसन बनवाना पैंदा। आज ये गैर कानूनी है ये चीजें। अच्छा, ये बेचो कट देना फिर, जिस तरह कटी था नहीं मिसाल के तौर पर। मिसाल के तौर पे खूब कंटिन्यूटी आपकी। यार ये मुहावरे होते हैं, मिसालें होती हैं, जैसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे। अच्छा, यानी फिर मिसाल के तौर पे कुछ कह ही दिया करें। मिसाल के तौर पर ये थोड़ी गल है, मिसाल के तौर पर और दिन की कह दिया। चचर साहब, अगर कौमी हुकूमत कायम होती है तो आप अपने लिए कौन सी वजारत पसंद करेंगे? वजारत उज़्मा। लो, वजारत उज़्मा क्यों? और की वजारत लुबना ले लवा। अच्छा छोड़े इसे, ये बताएं कि परवेज मुशर्रफ और जियाउल हक में आपको बेहतर सदर कौन लगा? परवेज मुशर्रफ और जियाउल हक में से बेहतर सदर जी परवेज लाई। अच्छा, परवेज लाई किधर से आ गया? वो भी इतनी टूटता फिरता, वो नहीं आ सकता। मैंने इन दोनों का तस्करा किया चौधरी साहब, इन दोनों का। यार परवेज लाई, परवेज मुशर्रफ, परवेज लाई, परवेज तो रल देना, मुशर्रफ पर करो लाई बावे। अच्छा, आपने एक और दिलचस्प खबर पढ़ी है? मुशर्रफ आ रहे हैं। नहीं, ये दिलचस्प खबर नहीं है, तो बड़ी परेशान कुन खबर होनी चाहिए आपके लिए। अच्छा खबर है, खबर ये है कि ओबामा की दादी ने इस साल हज अदा किया है। मेरे को नहीं पूछना, मैं टूर ऑपरेटर हूँ। चलो सर साहब, आप इस पे तबसरा करते हैं, कोई देखे कितनी बड़ी तबसरा ही करा, मैं हराम बेचना हूँ अद्दू गई या मैनू खजूर दे पानी दे गई है। सर साहब, आप इन जुगतों से बाज क्यों नहीं आते? मोई करें आज करें, साढ़े पाकिस्तान के मतलब जो सोचेगा हम उसका जिक्र करेंगे। नहीं तो वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है ओबामा। कटा दिन सुबह सोचता वो सेबे वाले बम नाल ही डले है, आपको क्यों नहीं बुलाते ये? कौन? ओबामा साहब। मुझे कैसे बुलाएगा, उसे पता है चोरी ने आधे घंटे 150 जुगत करनी है। अल्लाह मेरा जानता है, गुस्सा मुझे उसमें बहुत चढ़ता है,
मेरा दिल करता है किसी दिन पहुंच जाऊं मैं उधर। नहीं वो तो पहुंच जाऊं, इनविटेशन आएगी तो पहुंचेंगे ना। नहीं, नहीं वैसे भी बंदा चला जाता है ना, वो जैसे कहते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लो अब आप जाके ओबामा को कहेंगे मान ना मान मैं तेरा मेहमान। नहीं तो उसे अंग्रेजी में कह देंगे ईस्ट और वेस्ट आई एम योर गेस्ट। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।